जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। माँ और बच्चों की सेहत प्लान कीजिए, बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन और अन्य मतदाता सेवाओं को डिजिटल कर दिया है? वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप नया पंजीकरण, एड्रेस में परिवर्तन, व्यक्तिगत विवरण में सुधार इत्यादि जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी शिकायत के लिए कृपया संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शिलान्यास, कहा 21वीं सदी का नया भारत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहा निर्माण। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 13 प्रस्ताव मंजूर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आहूत करने का फैसला। सरयू राय पर लिखी पुस्तक द पीपुल्स लीडर का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन, भाजपा ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर राज्य भर में चलाया हस्ताक्षर अभियान। और एटीएस की टीम ने झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं रोजू राव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इस हवाई अड्डे का विकास, संपर्क बढ़ाने और अत्याधुनिक विमानन क्षेत्र सृजित करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। जेवर में नया एयरपोर्ट व्यापक निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वृद्धि की गति तेज करने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। यहां से अनेक शहरों में आना जाना आसान होगा। और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव तथा देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं। पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आहूत करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा झारखंड बाल विकास, अराजपत्रित कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग तथा भर्ती प्रोन्नति सेवा संशोधन नियमावली पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगाई। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,19,38,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 10,240 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 16 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 16 लोगों ने भी इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 123 सक्रिय केस हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सचिवालय सभागार में लेखक विवेकानंद झा द्वारा विधायक सरू राय की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू राय हमेशा आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं। और जोरदार तालियों से, तो पीछे जब आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप
पूरी तो नहीं, कुछ सरसरी निगाहों से चीजों को देखने का हमने प्रयास किया। खैर, मुझे लगता है सरजू राय जी परिचय के मोहताज नहीं है, और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं, और आज एक किताब के रूप में। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। राजधानी रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, हेहल में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा प्रदेश के पदाधिकारियों ने विभिन्न जगहों पर हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व किया। जमशेदपुर में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार अपने हिस्से का वैट नहीं घटा रही है। एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल और डीजल में काफी दरों में कमी आई है, परंतु राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो वैट टैक्स में कमी नहीं ला रही है, कटौती नहीं कर रही है। रांची के धुरवा में आज प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घटा करके पेट्रोल और डीजल में, लेकिन झारखंड की सरकार कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार कुछ दिन पहले राजभवन के सामने पर जाकर के विधवा विलाप कर रहे थे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। आज उनको करारा जवाब देना होगा, आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, और ये बताने की उनको पेट्रोल और डीजल की कीमत करने के लिए हम सब लोग आंदोलन के माध्यम से उनको विवश करने का हम सब लोग संकल्प ले दोस्तों। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ईचागढ़ के दिवंगत भाजपा विधायक साधुचरण महतो के पैतृक आवास श्री डुंगरी जाकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने साधुचरण महतो के निधन को अपना व्यक्तिगत क्षति बताया। यह बहुत दुख का क्षण है, दुख की घड़ी है हम सब के लिए। संगठन को भारी नुकसान हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो उन्होंने लगातार सक्रियता बनाए रखते हुए एक जन जुड़ाव था, उसकी रिक्ति हुई है। परिवार में एक बहुत बड़ा संकट परिवार के लिए है, तो व्यक्तिगत रूप से भी हमें क्षति हुआ है, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। पेटरवार प्रखंड के 15 गांवों का लीड्स एवं एचडीएफसी बैंक सीएसआर के तहत समग्र विकास करेगी। आज जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने यहां समग्र गांव विकास योजना लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने एचडीएफसी के इस पहल की सराहना की और कहा कि इसके साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़कर यहां विकास के नए आयाम दिए जाएं। बहुत से ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिनके पास हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा विफलता हासिल है, चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो बांस और बंबू का कोई सामान बनाना हो उससे संबंधित हो, या फिर कुछ बुनाई कढ़ाई से संबंधित हो। ऐसे प्रोडक्ट्स से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको भी चिन्हित करें, उनके प्रोडक्ट्स को एक साथ ले लिया है और अपनी ब्रांड के माध्यम से सीएसआर के माध्यम से उसको मार्केटिंग करना भी सुनिश्चित करें।
आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने झारखंड के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब में सघन छापामारी अभियान चलाकर उग्रवादी एवं अपराधियों को हथियार की आपूर्ति करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। राज्य सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद योजना गोड्डा जिले में हड़िया दारू बिक्री कर अपनी जीविका चलाने वाली महिलाओं के लिए नई किरण लेकर आई है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान चिन्हित महिलाओं को 10,000 रूपये ऋण दिया जा रहा है। बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आज जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान कई जगहों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवेदककर्ताओं के दस्तावेज की जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर चल रहे इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में हर कोई अपना सहयोग दे। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने आज जमशेदपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में उपायुक्त के अलावा जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे। आयुक्त ने पदाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण में पूरी तत्परता बरतने का निर्देश दिया। जैसे वो अनडिस्क्वालीफाइड जो डिस्क्वालीफाइड हो डिस्क्वालीफाई हो गए तो हटाया जाए, तो एडिशन डिलीशन का काम सावधानी से और ईमानदारी पूर्वक हो, इसके लिए हमने डायरेक्शन दिया। और स्वयं भी हम फील्ड में जाकर देख रहे हैं कि जो आवेदन आए उस पर सही ढंग से कार्रवाई हुई कि नहीं। बोकारो के उपायुक्त ने बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए कोल्हान की धरती ने भी कई वीर सपूत दिए। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा जहां चाईबासा की धरती पर हुई, वहीं पोटो हो जैसे वीर लड़ाके ने अंग्रेजों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। चाईबासा के पास सेरंगसिया घाटी को यहां के कोल लड़ाकों ने अपने खून से सींचा है। भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी तो कोल्हान के वीर सपूत पोटोहो और उनके लड़ाकों ने उनसे लोहा लेते हुए अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 25 किलोमीटर दूर सिंह पोखरिया जगन्नाथपुर मुख्य सड़क के बीच सेरंगसिया घाटी के पास बना स्मारक उनकी वीरता की कहानी को आज भी बयां करता है। पोटोहो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा में हुआ था। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरंगसिया घाटी युद्ध के नायक थे। पोटोहो और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ी थी। इन लोगों ने कोल्हान को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया, जिससे विदेशी हुकूमत घबरा गई। क्रांति की ज्वाला को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने हर तरह की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। 18 नवंबर 1837 में हो योद्धाओं और ब्रिटिश सैनिकों के बीच सेरंगसिया घाटी में जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें कई हो योद्धाओं ने अपनी शहादत दी तथा हमलावरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में ब्रिटिश फौज की करारी हार हुई थी। हो विद्रोहियों के जज्बे को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत दमन पर उतर आई और गांव घरों को जलाना तथा लूटना शुरू कर दिया। 8 दिसंबर 1837 को पोटोहो समेत कई हो सरदार गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उनके वंशजों को आज भी पूरी कहानी याद है। लड़ाई हो रहा था तो पोटोहो को फांसी उसको चढ़ाया गया, तभी अंग्रेज लोग बोल रहा था अंततः इन वीरों की शहादत निरर्थक नहीं गई और इनके विद्रोह ने कोल्हान के राजस्व प्रशासन के लिए विल्किंसन रूल का मार्ग प्रशस्त किया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार। कोडरमा सदर अस्पताल में आज दिव्यांग बोर्ड का गठन कर 32 दिव्यांगों का परीक्षण किया गया, जिसमें 6 दिव्यांगों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया।
इस अवसर पर दिव्यांग बोर्ड के जिला कुष्ठ निवारक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार एवं उपाधीक्षक डॉ. अमरिंद्र कुमार उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। रांची जिले के नगड़ी, खलारी, लापुंग, सिल्ली, अनगड़ा, उरमांझी, बेड़ो और चान्हो प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। चतरा से लातेहार जिले को जोड़ने वाली सड़क संवेदक की लापरवाही के कारण आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है और स्थानीय लोग इसके विरोध में आंदोलन का मन बना रहे हैं। चतरा से लातेहार जिले को जोड़ने वाली इस सड़क की मरम्मत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन संवेदक ने महज 1 किलोमीटर तक काम करने के बाद बीच में ही काम छोड़ दिया। जबड़ा सलगी 7 किलोमीटर मार्ग अति जर्जर है, काफी दिनों से जनता मांग कर रही है और एक शक्ति पीठ भी है जो जिला प्रशासन और जिला परिषद पर्यटक के रूप में विकसित करना चाहती है, लेकिन ढाल का 3 पात कुछ दिखता नहीं है। सरकार से तो हम लोग मांग करते हैं कि सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि आम जनता को सुविधा हो, शक्ति पीठ आने वाले लोगों को सुविधा हो। रोड खराब हो जाने के कारण साइकिल भी पंचर हो जाता है और साइकिल खराब हो जाने के कारण हम लोग को आधा रास्ता से घूमना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोड बनवाया जाए। जबरा से सलगी के बीच करीब 20 गांवों के हजारों लोग प्रतिदिन इस टूटी फूटी सड़क से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इसी मार्ग में चतरा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चटनिया बाबा का आश्रम भी है। चटनिया गुसाई जगन आने में रोड बहुत खराब है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि अच्छा सड़क दे दे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को पत्र लिखा गया, लेकिन इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। किसान नौजवान सबका ख्याल रखते हुए यह सड़क का निर्माण अति शीघ्र जिला प्रशासन राज्य सरकार सुनिश्चित करने का काम करें। चटनिया बाबा एक देव स्थल है, हजारों हजार आदमी को रोज का आवागमन है। 7 किलोमीटर यहाँ का रोड जबड़ा से जिरवा पंचायत होती है, खराब हो जाने के कारण से कितने लोग गिर पड़ जाते हैं। सरकार से अनुरोध है कि यहाँ रोड का प्रदान करे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मरम्मत का कार्य अविलंब शुरू नहीं किया गया तो उन्हें बाध्य होकर चतरा रांची मार्ग को जाम करना पड़ेगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। धनबाद के अपर जिला दंडाधिकारी डॉ. कुमार ताराचंद ने आज समाहरणालय परिसर से डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन से गए कलाकार गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने आज गोड्डा जिले का दौरा कर राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गरीबों और गर्भवती महिलाओं को इस अधिनियम के तहत ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्य के लाखों गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो रास्ते में लूट हो रही हो, ये मेरे ओवरलोडिंग देखते हैं, ओवरलोडिंग सर, ये मेरे खाद्य आयोग की जिम्मेवारी में नहीं है। हमको ये देखना है कि रास्ते में लूटा गया हो,
एफसीआई जाने, डीएसओ जाने, हमको ये देखना है कि जिस व्यक्ति को 35 किलो अनाज मिलना है उसको अगर 34 भी मिला, 34.5 भी मिला तो हम मेरी जिम्मेवारी शुरू होगी। आजादी के सफर की आज कड़ी में जानते हैं साधु वासवानी और दुला भाया काग के बारे में। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी और शिक्षाविद साधु वासवानी को याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआती समर्थक वासवानी ने कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में काम किया और बाद में मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित किया। वो एक विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा सिंधी में कई किताबें लिखी। साधु वासवानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध क्षेत्र में थानवर दास लीला राम वासवानी के घर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वासवानी ने अपनी माँ से भगवान और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अनुमति मांगी, लेकिन वो नहीं मानी तो वासवानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। कलकत्ता में वासवानी को अपने गुरु श्री प्रमोथोलाल सेन मिले। जुलाई 1910 में वासवानी अपने गुरु के साथ विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। सम्मेलन में वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया और शांति का संदेश दिया। वासवानी उस समय के थे जब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के रूप में देशभक्ति अपने चरम पर थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने देश के युवाओं को मातृभूमि की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने वाली कई पुस्तकें लिखी। इनमें शामिल हैं बिल्डर्स ऑफ टुमारो, माई मदरलैंड और इंडिया अराइजन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासक को सत्ता से बेदखल करने के अलावा अन्य रूप में भी देखा। उनके लिए इसमें भारत का आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल था, ताकि जनता को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके और प्रत्येक मानव गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। साधु वासवानी अपने समय से बहुत आगे थे। जब देश ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाएं घर तक ही सीमित थीं, तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान और चरित्र निर्माण में योगदान करने वाली एक आदर्श और विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की। 1933 में मीरा स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन हुआ और इस स्कूल ने मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन की आधारशिला रखी। साधु वासवानी 16 जनवरी 1966 को 86 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन पर विश्व भर में शोक की लहर छा गई। हम इस महान भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवादी को नमन करते हैं, जिन्होंने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारतीयों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। आज हम प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दूला भाया काग को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1902 को गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। काग को भक्ति गीतों के साथ साथ दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शिलान्यास, कहा 21वीं सदी का नया भारत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहा निर्माण। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 13 प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आहूत करने का फैसला। सरयू राय पर लिखी पुस्तक द पीपुल्स लीडर का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। भाजपा ने पेट्रोल